मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय, इनसे बात करते हैं आज की ये नुमाइश के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, माशाल्लाह जब से आप आई हैं डेली बेसिस पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आज के हवाले से हमारे देखने वाले को क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आज की जो एग्जीबिशन है ये बहुत ही स्पेशल है, इसका टाइटल ही जमालियात है और जिसका मतलब एस्थेटिक्स है और ये कैलीग्राफी के आर्ट के ऊपर मबनी है। कोई नियरली 150 वर्क्स ऑन डिस्प्ले और आइंदा आने वाले दिनों में वर्कशॉप भी होगी। इसके अलावा एक कॉम्पिटिशन है जिसमें विनर्स के लिए कैश प्राइजेज हैं। तो इस पूरी एफर्ट को करने का मकसद ये है कि कैलीग्राफी जैसी ट्रेडिशन भी और फन भी जो कि सेंचुरीज ओल्ड है उसको मज़ीद प्रमोट किया जा सके, यंगर जनरेशन को रागिब किया जा सके। सो दिस इज़ दी एफर्ट। अच्छा मैम बताइएगा कि जब से आपने ओहदा संभाला है डेली बेसिस पे माशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी हो रही है, उसमें आपने ऑनलाइन भी किया है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी तक यहाँ तक जिनकी रसाई नहीं, उनको देखने वाले को क्या कहेंगे। बिल्कुल, अभी जैसे हम लोग डिजिटल और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है। कोई भी टैलेंटेड बंदा है अलमरा तो सबकी एक्सेस में शामिल है, बल्कि यहाँ पर डेली एक्टिविटीज़ का मकसद भी है कि लोगों को पता हो कि ये एक वो जगह है जहाँ पे फ़न और बहुत सारे और अलूम फ़नून को फ़रोग दिया जाता है। तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद है सबाहत फयाज, सबाहत से बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आज अपना काम लगाया है, उस वाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज आपने अपने काम की प्रेजेंटेशन यहाँ पे की है, उस वाले से पहले देखने वाले को क्या कहेंगे कि उस काम को क्या कहते हैं और ये कब से आप कर रही हैं। ये मेरा काम डिस्प्ले हुआ है, इसको ओल्ड कुफी कहते हैं, साथ में मैंने गोल्ड से इसमें इल्यूमिनेशन की हुई है और ये काम ऑलमोस्ट मैं 10 to 11 मंथ्स हुए हैं मुझे ये काम करते हुए। 10 to 11 एग्जीबिशन के वाले से क्या कहेंगे देखने वाले को, कितने दिन की एग्जीबिशन है वहाँ पे, यहाँ पे आकर क्या करेंगे। 5 दिन की ये एग्जीबिशन है तो मैं चाहूँगी कि लाजमी सब विज़िट करें क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम यहाँ पे हैं और सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ की मोटिवेशन बहुत मिलेगी आर्टिस्ट आए वो विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मरियम राजा है, मैं एक कैलीग्राफ़र हूँ, मिनिएचरिस्ट हूँ और आर्ट की फील्ड से मेरा लिंक है और आज मैं इधर अलहमरा आर्ट सेंटर में आई हूँ इस एग्ज़िबिशन पे। बहुत अरसे के बाद कोविड के बाद सबको देख के, सब आर्टिस्ट को देख के बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके कि शुक्र अल्लाह का सब अपने खैर आफियत में है। और आज इधर आप देखें बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और कैलीग्राफी के वो सब नमूने लगे हुए हैं, बहुत अच्छी कोशिश है सबकी, सीनियर आर्टिस्ट हैं उनकी भी और जो यंग टैलेंट्स हैं उनकी भी, तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। सबकी अपनी अपनी मेहनत है जो कि डिफरेंट तरीके से सामने देखने को मिल रही है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है, किस तरीके से एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हुए हैं और हर कलर के साथ एक ना एक मैसेज है जो कि उस जो भी आयत के अंदर दी गई है। और जो अभी आप देखेंगे कि किसी ने एक नुक्ता लगाया है, किसी ने एक ख़त दिया हुआ है, उसमें भी एक डिटेल है, उसमें भी एक मैसेज है। ये जो हमारा काम है ये हमें ये भी मैसेज देता है कि स्टार्टिंग में इस्लाम जब आया और जब कुरान पाक को लिखा गया तब कैसे कैसे जो आप कह लें रूल्स थे, रिदम्स थी और जो उस वक्त के जो कानून आप कह लें, कायदे कह लें, उनको किस तरह से लिखते थे। अब तो हर चीज़ प्रिंट आउट हो जाती है, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हर आर्टिस्ट ने अपनी मेहनत को इस तरह से पेश किया है जैसे शुरू में काम किया जाता था। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इधर आके और बस इस चीज़ का दुख हो रहा है कि मैंने अपना जो काम था वो मैंने इधर डिस्प्ले नहीं किया, बिज़ी थी थोड़ा सा। और लेकिन ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मैं अपना भी कोई काम लगाऊंगी और अपने सीनियर्स का काम देख के, अपने कोलीग्स का काम देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह से लोग इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसा काम होता रहे पाकिस्तान में, इस्लामी मुमलिकत के होते हुए ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान